हेलो गाइज, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज़ टॉक चैनल। हर दिन की नई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज़ पहुंचा पाए। तो चलिए आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। हेलो गाइज, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज़ टॉक चैनल में। आज हम लोग आपको कर्नल शर्मा के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे कर्नल शर्मा और उनकी टीम की शहादत की कहानी सुन के। चलिए इसके ऊपर नजर डालते हैं, पूरे मामले के बारे में आपको बताते हैं। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। जहाँ ये मुठभेड़ हुई वह दुर्बंग इलाका है। इस इलाके को रिसेप्शन एरिया कहा जाता है। यहाँ से ही आतंकी भारत में आते हैं और कश्मीर में पहले से ही आतंकी रहते हैं, और जो आतंकी आने वाले हैं ये आतंकी जाके उन्हें रिसीव करते हैं और उनके आने के लिए रास्ता भी साफ करते हैं। और जो हंटवाड़ा ऑपरेशन हुआ, इसमें भारतीय सेना के एक कर्नल और एक मेजर और 5 सुरक्षा कर्मियों की शहादत हुई। कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज की टीम ने शहादत से पहले 2 आतंकियों को मार गिराया। उनमें से जो एक आतंकी था उसका नाम था हैदर। लश्कर ए तैयबा के बड़े आतंकियों में इसका नाम आता है। इसकी मौत के बाद लश्कर ए तैयबा और ISI को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ISI ने हैदर को बहुत बड़ा एक कमांडर भी बनाया था। इसका मारा जाना भारतीय सेना के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी है। उसी के साथ जो दूसरा आतंकी मारा गया है, उसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। कर्नल आशुतोष शर्मा की टीम को आतंकवादियों को ढूंढने में लगाया गया था। ये एक ऐसी टीम थी जो कि काफी ज्यादा बहादुर थी। कर्नल आशुतोष शर्मा को जब पता चला कि एक आतंकियों की टीम घरों में छुपी है, तो और वो जो आतंकी है वो काफी सारे लोगों को बंधक बनाए हुए हैं, और उसी के साथ नागरिकों की आड़ में सुरक्षा कर्मियों के ऊपर गोलीबारी करने लगे। कर्नल शर्मा की टीम के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते थे। पहला रास्ता मोर्चा छोड़ के पीछे हट जाना, इन आतंकियों का सामना करना और लोगों को बचाना। कर्नल आशुतोष शर्मा ने दूसरा ही रास्ता अपनाया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सेना के जो जवान होते हैं वो कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, और उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया और लोगों को भी बचाया और 2 आतंकवादियों को वहां पर ढेर भी कर दिया। देर रात शुरू हुई इस लड़ाई में काफी सारी गोलीबारी हुई। जब ये सब चीजें खत्म हुई, तब उस दौरान ही वहां पर दूसरी टीम पहुंची और घरों घरों की तलाशी ली गई। तभी पता चला कि कर्नल शर्मा और उनकी टीम की शहादत हो चुकी है, और इसी के साथ देखा गया कि 2 आतंकी भी मरे पड़े थे। कमेंट बॉक्स में जय हिंद करके कमेंट जरूर करते हुए जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।